गोंदिया जिले के अर्जुनी मुरगांव तालुका के वाड़ेगांव बांध जिले के प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों ने शिक्षक नियुक्त होने तक छात्रों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है और आज से स्कूल बंद है क्योंकि छात्रों को स्कूल नहीं भेजा गया है। राज्य में 1 जुलाई 2024 से विदर्भ के सभी स्कूल शुरू हो गए हैं और सभी जगह स्कूल प्रवेश उत्सव दिवस मनाया गया है। अर्जुनी मुरगांव तालुका के केशरी जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत वाड़ेगांव बांध जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय शुरू किया गया था, लेकिन केवल दो ही शिक्षक हैं और स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को शैक्षणिक रूप से नुकसान हो रहा है, इसलिए अभिभावकों ने छात्रों को स्कूल नहीं भेजने का फैसला किया है। इस जिला विद्यालय में कुल कक्षा 1 से 7 तक की कक्षा है और स्कूल में कुल 112 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में केवल एक हेडमास्टर और एक शिक्षक है और स्कूल को 5 शिक्षकों की सख्त जरूरत है, जबकि स्कूल में केवल 2 शिक्षक हैं और भी 3 पद खाली हैं। छात्रों के अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। इस वर्ष जो कि शिक्षकों की भर्ती चल रही है, इसलिए सभी अभिभावकों को शिक्षक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिला परिषद ने भर्ती के पहले चरण में स्कूल में एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया है। अतः विद्यालय प्रबंधन समिति डब्लू मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से सभी को एक बयान दिया गया, लेकिन गोंदिया जिला परिषद प्रशासन ने अभी तक स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है। इसके चलते 5 जुलाई से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, जिससे स्कूल विद्यार्थियों के बिना सुना है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समिति ने शिक्षकों की नियुक्ति होने तक किसी भी छात्र को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की जिम्मेदारी सरकार और जिला परिषद प्रशासन की होगी। वहीं अभिभावकों ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करे, नहीं तो हम अपने बच्चों का स्कूल अवकाश प्रमाण पत्र यानी TC वापस ले लेंगे। शाळेमध्ये वर्ग 1 ते 7 आहे आणि पटसंख्या ही 113 आहे। त्यापैकी आपल्या शाळेला शिक्षक म्हणून 2 कार्यरत आहेत आणि सध्या शिक्षकाची 5 पदाची गरज आहे। त्याच्यामध्ये 3 पद हे अजूनपर्यंत शासनाने भरलेले नाही, त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालकवर्गांनी असा निर्णय घेतला आहे की एकही विद्यार्थी 5 जुलैपासून शाळेत पाठवणार नाही आणि आज दिनांक 5 जुलैला एकही मूल शाळेमध्ये विद्यार्थी आलेला नाही आहे। तरी शासनाला अशी माझी नम्र विनंती आहे की आमच्या या मागणीचा विचार करून आम्हाला लवकरात लवकर शिक्षक ही पदे भरण्यात यावी आणि आम्हाला यातून मार्ग काढण्यात यावा, जेणेकरून या त्रासामुळे होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक नुकसानीला शासन आणि जिल्हा प्रशासन हे जबाबदार राहील। आमच्या शाळेमध्ये 1 ते 7 वर्ग असून 1 ते 5 पर्यंत 86 विद्यार्थी तथा 6 ते 7 पर्यंत 27 विद्यार्थी असे एकूण 113 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि या ठिकाणी 2 शिक्षक आम्ही कार्यरत आहोत। अशा वेळी आम्हाला अभ्यासक्रम शिकवताना आणि वर्ग सांभाळताना थोडी अडचण निर्माण होत आहे। या संबंधाने वारंवार व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून आणि शाळेच्या माध्यमातून वेळोवेळीवर आम्ही VO साहेबांना माहिती पुरवलेली आहे, शिक्षकांची मागणी पण केली आहे आणि त्याच अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापन समितीने शिक्षक मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे आजपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठवण्याचा निर्धार केला होता आणि त्यानुसार या ठिकाणी मी जेव्हा या ठिकाणी शाळेमध्ये हजर झालो मला एकही विद्यार्थी या ठिकाणी आढळलेला नाही। माझे दोन्ही मुलं ह्या शाळेत शिक्षण घेत असून शिक्षकाच्या अभावामुळे शाळा ही आम्ही पाल्यास पाठवत नाही आहोत इथं शाळेत आणि जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत आम्ही ह्या शाळेमध्ये पाठवणार नाही असा आमचा सर्व पालकांचा ठाम निर्णय आहे आणि जिल्हा परिषदने जोपर्यंत इथं शिक्षक पाठवणार नाही तोपर्यंत आम्ही आपल्या मुलांना ह्या शाळेत पाठवणारच नाही। तसाही आम्ही TC अर्ज केलेला आहे आणि येत्या काही दिवसात अगर शिक्षक मिळाले नाही तर सर्व TC काढून टाकू असा आमचा सर्वांचा मत आहे। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से संवाददाता की रिपोर्ट।